अखिल भारतीय खटिक महासभा सकल 84 पुष्कर राज अजमेर ने राजस्थान खटिक समाज विकास बोर्ड गठन की मांग की है। अपनी मांग को लेकर बुधवार को महासभा की ओर से सीएम के नाम एसडीएम मृदुल सिंह को एक ज्ञापन दिया गया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर सरकार द्वारा सभी समाजों के विकास की ओर ध्यान दिया जाकर विभिन्न बोर्डों निगमों की स्थापना की गई है तथा उनके प्रतिनिधियों को सत्ता व संगठन में पहली बार भागीदारी दी गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अब तक खटिक समाज इससे वंचित रहा है। खटिक समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। समाज के लोग परंपरागत पुश्तैनी विभिन्न कार्य जैसे बकरी, बकरा, भेड़, गाय, भैंस, मुर्गी, मछली पालन के साथ साथ अन्य प्रकार के कार्य कर अपने परिवारों का गुजारा करते हैं। उपरोक्त समस्त कार्य अत्यंत अल्प आय के हैं, जिससे परिवारों का पूर्ण रूप से भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। नौकरियां सीमित रह गई है। शिक्षा के अभाव में हमारा समाज पूर्ण रूप से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से कोसों दूर है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज के आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से केश कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, देव नारायण बोर्ड तथा महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड आदि है। अतः खटिक समाज के विकास के लिए भी खटिक समाज बोर्ड का गठन किया जावे ताकि समाज का विकास हो सके। ज्ञापन देने वालों में मोहनलाल दाईमा, बाबूलाल सामरिया, शिव सामरिया, अजय चंदेल, शैतान सिंह पंवार, घनश्याम दास नागोरा, कैलाश तुयल, नरेंद्र बागड़ी, कन्हैयालाल बागड़ी, पारस चावला, ललित चंद खींची, पूनम चंद किराड़, गोपाल सामरिया तथा हरीश सामरिया सहित अन्य शामिल थे।